नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जब भी 6 जून का दिन आता है तो अमृतसर के हर कोने में पुलिस और अन्य पुलिस यूनिट तैनात कर दी जाती है ताकि किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो। इस दौरान चरमपंथी सिख संगठनों और हिंदू संगठनों की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन पंजाब के बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के मन में पुलिस को देखकर डर पैदा होना लाजमी है। दूसरी ओर दल खालसा हर बार 5 जून को स्वतंत्रता मार्च का आयोजन करता है और इसमें शामिल होता है। 6 जून को श्री अकाल तख्त साहिब में प्रार्थना की जाती है। दल खालसा के प्रवक्ता कंवरपाल सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 6 जून 1984 को श्री दरबार साहिब श्री अकाल तख्त साहिब में हुए नरसंहार को 38 साल बीत चुके हैं। इस अवसर पर एक स्वतंत्रता मार्च होगा। दल खालसा की ओर से 5 जून को नवलती चौक भाई वीर सिंह हॉल से श्री अकाल तख्त साहिब एक स्वतंत्रता मार्च आयोजित किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 6 जून को श्री अकाल तख्त साहिब में अरदास की जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृतसर के लोगों से अपील करते हैं कि अमृतसर शहर को बंद रखें। अमृतसर से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। आज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्लूकारा जून 1984 दे संबंध विच जो दल खालसा अते उस दियां सहयोगी जथेबंदियां वल्लों प्रोग्राम उलीके गए हन, उन्हां प्रोग्रामां दा ऐलान करन संबंधी सद्दी गई है। इस तो अलावा दो संवेदनशील मुद्दियां दे उत्ते आज असी प्रेस दे नाल गलबात करांगे। जून 1984 दे कल्लूकारे नूं 38 वरे एस जून दे महीने दे विच हो जाने हन। उस कल्लूकारे दी चीस दर्द अते पीड़ अज भी साढ़े मना दे विच ताज़ा है, सजरी है। जेड़े सिंह सिंगनिया उस कल्लूकारे दौरान जूझ के शहीद होए वो साढ़े हीरोज़ हैं। जेड़े निहत्थे श्रद्धालु उस कल्लूकारे दौरान भारतीय फौज दियां गोलियां दे शिकार होए अते जो लुट कसुट भारती फौज ने दरबार साहब दे विच कीती वो कहर अज भी वो मंजर अज भी साडे नज़र दे विच सामने है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।